मैं अशोक बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर निकिता पेपर्स लिमिटेड शामली। हम लोगों ने 2.5 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट मैगो को लगाने के लिए दिया, जिसमें उन्होंने FBC कोल फायर्ड पर हमें 2.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट तैयार करके दिया, जो बहुत अच्छे से 1 साल तक चला। NCR में मिल होने के कारण हम लोगों की मजबूरी रही कि उसको हमें बायोमास पे कन्वर्ट करना था, जिसके लिए हमने दोबारा से मैगो को ही वो प्रोजेक्ट दिया, जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकेटिंग ग्रेड फर्नेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको अलग अलग बायोमास फ्यूल जैसे बगास, वुड चिप्स, मस्टर्ड, यूकेलिप्टस कटिंग, कोई भी बायोमास फ्यूल, कोई भी किसी भी तरह का बायोमास फ्यूल हम आज उस बॉयलर में प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके बॉयलर की एफिशिएंसी, पावर प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे भी बढ़कर आई है। ये बहुत हम लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा रहा और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहा कि हम जो उम्मीद कर रहे थे अपने पावर प्रोजेक्ट से, उससे बड़ा अच्छे आगे बढ़कर मैगो ने हमें टेक्निकली सपोर्ट किया। इन्हीं उनकी सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हम नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने दोबारा से मैगो को देने का प्रोग्राम बनाया है, और हमें उम्मीद है कि वो अपने हाई टेक्नोलॉजी और जो उनके साथ टेक्निकल स्टाफ जुड़ा हुआ है उसकी सहायता से वो हमारे इस प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।